नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु जी के वीडियो क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास है ये एमपीपीएससी प्री की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर की जो हमने क्लासेस बनाई हैं उसमें ये हमारी दूसरी क्लास होगी। और 2021 का पूरा करंट जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हमने, जनवरी से लेकर जून तक का, इसके पिछली वाली क्लास में हमने लाए थे करंट। और जून के बाद जुलाई से लेकर के पूरा दिसंबर तक का इस क्लास में आपको रिलेटेड पर्यावरण से करंट अफेयर मिलने वाला है। तो क्लास को मिस मत कीजिएगा, पूरी क्लास अटेंड कीजिएगा। ये क्लास आपकी प्रीमियर रहने वाली है। मैं कमेंट पढ़ूंगा नहीं आपके, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 50 क्वेश्चन 50 मिनट में सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करें क्लास को, फटाफट बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे ये रिमोट काम नहीं कर रहा है, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत होगी हमको क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है, टेस्ट सीरीज मात्र 499 में अवेलेबल है। जिन बच्चों ने नहीं खरीदी, परचेज कर लें, नोट्स परचेज करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, आप लोग कमेंट कर रहे होंगे गुड इवनिंग, तो सभी को गुड इवनिंग। और फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास को, आगे बढ़ाते हैं, पहले प्रश्न की सीधे बात करते हैं। किस राज्य में करीब 10 करोड़ साल पहले के सोरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? आप लोगों के भले ही कमेंट हम ना देखें लेकिन आपको लगातार कमेंट करते रहना है कि जवाब आपका क्या आ रहा है। फटाफट बताइएगा, किस राज्य में करीब 10 करोड़ साल पहले के सोरोपोड डायनासोर, कौन सा सोरोपोड डायनासोर, डायनासोर की एक प्रजाति थी जिस डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर धरती से पूर्णतः विलुप्त हो गए और कहा जाता है कि उल्का पिंड आकर के पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी पूर्णतः हिल गई और उसी आपदा में ये डायनासोर नष्ट हो गए, ये प्रजाति ही नष्ट हो गई। लेकिन 6.5 करोड़ वर्ष तक इनके अवशेष मिलते थे, उससे भी पुराना 10 करोड़ वर्ष पुराना सोरोपोड डायनासोर कहाँ से मिला है? तो दोस्त गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं इसमें, खासी जयंतिया, खासी पहाड़िया पहाड़ी के पश्चिमी खासी जिले में है ना, पश्चिमी खासी जिले में ये डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। अर्थात हम बात करें कि किस राज्य में, तो गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? मेघालय राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जिन बच्चों ने सी दिया होगा एकदम करेक्ट होगा, किसी का भी गलत नहीं होगा, सी सभी ने दिया होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट आंसर लगाएंगे। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ये देखिए एक संगठन है और इस संगठन के द्वारा क्लाइमेट, जो जलवायु है, वातावरण है, उससे रिलेटेड अध्ययन किया जाता है। और क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के द्वारा ट्रैक किया जाता है, गुणवत्ता देखी जाती है कि किसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या गुणवत्ता गिरावट हो रही है, पॉजिटिव सुधार हो रहा है, ये चीजें। तो इन्होंने क्या किया, इस संस्था ने विश्लेषण करके बताया कि वर्ष 2021 तक वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए वैश्विक तापमान में जो हमारे वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 2.9 की वृद्धि हो जाए, 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी। हालांकि इस संस्था ने सारी बातों का खंडन करते बताया है कि 2.4% की वृद्धि हो जाएगी या फिर 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और बढ़ जाएगा। और सभी देशों ने मिलकर के पेरिस जलवायु समझौते में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लक्ष्य को हासिल करना था कि इससे ज्यादा हमको नहीं बढ़ने देना है। और ये आप देखो तो इससे लगभग लगभग 2 गुना है। तो सभी देशों को बहुत कठिन मेहनत करके अपने देशों में कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाके हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुक सकते हैं, अन्यथा हम 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएंगे। इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ईश्वर ही जान सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, तीसरा प्रश्न है, फटाफट देखिएगा। मेंढक की कौन सी प्रजाति दुनिया में सबसे बड़ी है, आधिकारिक रूप से सबसे बड़ी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 32 सेंटीमीटर तो ये लंबी होती है और वजन की बात करें तो 3.25 या 3.25 किलोग्राम जिसका वजन होता है, उस जानवर का नाम बता दीजिए। वो जानवर तो है मेंढक, और मेंढक की आधिकारिक तौर पर सबसे बड़ी प्रजाति इसको माना जाता है। और इस प्रजाति का नाम है, इस प्रजाति का नाम है गोलियत फ्रॉग। ये क्या है, गोलियत फ्रॉग, ये आपको कहां मिलेगा,
तो अफ्रीका महाद्वीप का जो गिनी का तट है वहां के कैमरून में, इक्वेटोरियल में और गिनी के क्षेत्र में ये मेंढक देखने के लिए मिल जाएगा। काफी बड़ा और हैवी मेंढक होता है जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर और वजन 3.25 किलोग्राम तक होता है। तो ये गोलियत फ्रॉग ये प्रजाति जरूर याद रखिएगा, मेंढक की सबसे बड़ी प्रजाति। अगला प्रश्न है चक्रवात ताऊते, और ये ताऊते नाम आपने जरूर सुना होगा जो भारत में भी आया, भारत के कुछ राज्यों में आ चुका है, इसका नाम किस देश द्वारा दिया गया है। हालांकि जो ताऊते चक्रवात था पूर्वी तट से भारत को प्रभावित करते हुए आया, और चक्रवातों का जो नामकरण है ये इस पर मैंने चक्रवातों में जब विश्व के चक्रवात पढ़ाए तो उसमें सारी चीजें बताई हुई हैं कि किस तरह से इनका नामकरण होता है। तो चक्रवात ताऊते का नामकरण जो हुआ है, जो ताऊते शब्द है ना, इसमें ताऊते का अर्थ होता है आवाज करने वाली छिपकली, आवाज करने वाली छिपकली। तो आवाज करने वाली छिपकली के अर्थ में इसका नाम दिया गया है, और नाम दिया है इसका म्यांमार। किसके द्वारा दिया गया है दोस्त? तो नाम दिया गया है म्यांमार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, फटाफट जवाब देते चलें। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, मतलब कृषि को हमें निर्यात करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए सारी सुविधाएं हमको कहाँ पे दी गई हैं, या कहाँ पे एक निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है जहाँ पे इससे रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। तो महाराष्ट्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम है पुणे, और पहले इसको पूना कहा जाता था, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की यहाँ कंपनियां हैं, राइट। पश्चिमी घाट पर्वत के छाया क्षेत्र में आने के कारण वर्षा भी कम होती है, तो ये पुणे जरूर याद रखिएगा। वायरोलॉजी का जो संस्थान पिछली बार एग्जाम में पूछा था वो यहीं पर स्थित है, और यही प्रश्न पूछा था, मतलब वायरोलॉजी संस्थान की स्थापना पूछी थी, वो भी पुणे में। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का क्या नाम है? देखिए, हालांकि जो अंटार्कटिका पे वर्तमान में आइस सेल्फ के पश्चिमी हिस्से से टूटा है, इसके पहले लगभग आज से 21 वर्ष पहले की बात है, 21 वर्ष पहले रॉस आइस लैंड हिस्से से भी, है ना, रॉस आइस सेल्फ से भी एक हिस्सा टूटा था, और वो जो हिस्सा था वो सबसे बड़ा हिस्सा था। ये कहा जाता है कि वही हिस्सा आज के मायने में देखा जाए तो सबसे बड़ा था, उसको B-15 नाम दिया गया था, लेकिन जो वर्तमान में टूटा है और जिसकी खोज, जिसको सबसे पहले अंटार्कटिका पे जो होल देखा था, किसने देखा था? ब्रिटिश टीम ने देखा था, ये भी ब्रिटिश टीम ने ही सबसे पहले देखा है और बताया है कि ये जो हिस्सा टूटा है ये सबसे बड़ा है, आज तक का सबसे बड़ा उन्होंने का दावा है। लेकिन हालांकि सबसे बड़ा कौन था? B-15 था, जो 21 साल पहले टूटा था, और जो इन्होंने नाम दिया है वो है आइस A-76। नाम क्या है? आइस A-76, इसको उन्होंने सबसे बड़ा माना है। तो राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, ऑप्शन में आपको ये नहीं दिखेगा, हालांकि यही सबसे बड़ा है, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, फटाफट देखेंगे। सातवां प्रश्न है सरकार ने DAP उर्वरक पर सब्सिडी में 140% की वृद्धि की है, DAP का अर्थ बताइएगा। DAP, आप सब लोग क्या करते हैं, जो किसानी करते हैं, किसान लोग अपनी फसलों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाने के लिए DAP और यूरिया का यूज करते हैं। यूरिया मुख्यतः नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए दिया जाता है, जबकि DAP दिया जाता है फास्फेट की पूर्ति के लिए, जिसमें हम NPK का एक रेशियो रखते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का। लेकिन सबसे मेन जो होता है वो होता है इसमें फास्फोरस, ये पी वाला, राइट। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत पोटास और नाइट्रोजन भी होता है, राइट, लेकिन इसमें फास्फोरस की पूर्ति के लिए दिया जाता है, तो इसका पूरा नाम होता है डाई अमोनियम फास्फेट, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? ए नंबर करेक्ट आंसर, डाई अमोनियम फास्फेट का मतलब है DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जोड़ा गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के टोटल 6 क्षेत्रों को यूनेस्को की संभावित सूची में जोड़ा गया है,
उनमें से हमारे मध्य प्रदेश के दो स्थल हैं, राइट। कौन कौन से स्थल हैं? मध्य प्रदेश के दो स्थल हैं, एक है आपका भेड़ाघाट, भेड़ाघाट, और एक है आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा नेशनल पार्क, राइट। इसके अलावा जो वाराणसी का जो गंगा घाट है, वाराणसी का जो गंगा घाट है उसके दोनों किनारे पे जो रोड बनाए गए हैं, रिवर फ्रंट बनाए गए हैं, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। कांचीपुरम के मंदिरों को भी इसमें शामिल किया गया है। टोटल 6 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश में है आपका सतपुड़ा, राइट। अगला प्रश्न है, पूरे भारत में शकरकंद स्वीट पोटैटो उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? स्वीट पोटैटो है ना, व्रत में हम लोग यूज करते हैं स्वीट पोटैटो का या शकरकंद का, और ये कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा स्रोत होता है, और इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो ओडिशा राज्य में सबसे ज्यादा होता है। शकरकंद का उत्पादन यदि कहीं होता है तो वो ओडिशा में सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में, स्थायी सूची नहीं अस्थायी सूची या संभावित सूची में शामिल किया गया? बताया था आपको कि 6 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, यास नामक जो चक्रवाती तूफान की नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? आप लोगों को समझ में तो आ ही रही होगी सारी चीजें, कोई दिक्कत परेशानी हो तो भी आप लास्ट में हमें कमेंट कर सकते हैं, और जो भी डाउट बनेगा उसका हम कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दे पाएंगे। फिलहाल आपके कमेंट वगैरह तो हम देख नहीं सकते। तो यास नामक चक्रवाती जो तूफान है, इसने क्या किया था? भारत के पश्चिमी तट को और हल्का सा पूर्वी तट को भी प्रभावित किया था, और ये आपका कहाँ से आया था? ओमान की खाड़ी से निकलता हुआ आया था, और इसका नामकरण भी किसने किया था? ओमान के द्वारा किया गया था। तो ओमान जिसके सहयोग से 2011 में वीना में एक रिफाइनरी लगाई गई थी, वही ओमान है जिसके सहयोग से वीना रिफाइनरी लगी हुई है। 12वां नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। कितनी बार बताया है? बहुत बार बताया है। तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, और 2021 में 22 मई को जो जैव विविधता दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, हम जो हिस्सा है किस चीज का, तो हम सॉल्यूशन का हिस्सा है, हम सॉल्यूशन का हिस्सा है, तो इसमें से हो जाएगा बी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये ध्येय वाक्य था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का। तो 22 मई को मनाते हैं, और इस साल भी आने वाला है 22 मई, और 22 मई को फिर से मनाया जाएगा। इसके बाद 13वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ध्यान दीजिएगा, किसे सम्मानित किया गया? इसमें से साईजी एनएम चेरुवायल रमन, के विश्वनाथन और के आनंदी। तो इसमें से जो साजी एन एम है, इनको केरल का क्या कहा जाता है? केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है, केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है, और इन्हीं ट्यूबरमैन को जैव विविधता पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार इनको दिया गया है, राइट। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है? प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रदूषण के निवारण करने के लिए एक दिवस निर्धारित किया गया, और ये दिवस जो है भोपाल में जो 2-3 दिसंबर की रात में, 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की सुबह जो घटना घटित हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, मिक नामक मिथाइल आइसोसाइनेट उसमें निकली थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी में, एंडरसन की कंपनी में आग लग गई थी, जो कि कीटनाशक संयंत्र था एक, तो उसी की याद में प्रत्येक साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में हर साल मनाया जा रहा है। जो लोगों की वहां डेथ हुई थी उनकी स्मृति में, उनकी याद में, उनके सम्मान में, राइट। 15वां प्रश्न आपके सामने है, जीआई प्रमाणित शाही लीची, ये जीआई टैग दिया गया है, लीची को दिया गया है, किस राज्य की वो लीची है जिसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का उत्पादन होता है, जिसको यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन में निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है? तो ये जीआई टैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली जो लीची है, इस ये कहाँ की फसल है? बिहार की फसल है, राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलें फटाफट, आपका समय भी ज्यादा ना लगे और क्वेश्चंस भी जल्दी
हो जाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने कितने किलों के लिए विश्व धरोहर स्थल टैग प्राप्त करने के लिए एक सूची प्रस्तुत की है? फटाफट बताइएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अपने क्षेत्र में जो किले हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, वहां शिवाजी के द्वारा जीते गए बहुत सारे किले भी हैं, छोटे छोटे किले भी हैं बहुत सारे, तो महाराष्ट्र में बहुत सारे किले हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा किले जो हैं राष्ट्रीय महत्व के हैं उनको संरक्षित करने के लिए क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है ताकि एक टैग प्राप्त कर पाए और उनका अच्छे से संरक्षण हो पाए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने टोटल 14 किलों की एक सूची बनाई थी और उनको भेजा गया है टैग प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न 17वें नंबर का है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बैकविस्ट वाटर एक्वाकल्चर ने हाल ही में निम्न में से किस मछली प्रजाति के लिए एक ब्रूड स्टॉक और बीज उत्पादन तकनीकी विकसित की है? तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, शायद पिछली क्लास में इसकी चर्चा कर रहे थे कि बैक वाटर क्या होता है। किसी भी झील के पीछे जो पानी भर जाता है, किसी भी बांध के पीछे जो एक पानी जमा हो जाता है और झील बन जाती है, उसको बोलते हैं बैक वाटर, ठीक है, क्षेत्र। तो उसमें हम क्या पालेंगे, उसमें एक मछली पालेंगे। कौन सी मछली पालेंगे? तो मैंग्रोव रेड स्निपर नाम की मछली पालेंगे और इसी के द्वारा बीज उत्पादन तकनीकी की जाएगी और बीज उत्पादन का, मछलियों का बीज उत्पादन भी किया जाएगा यहीं से। तो इस तरह की तकनीकी जो है मैंग्रोव रेड स्निपर नाम की प्रजाति के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, मालधारी जो हाल ही में खबरों में थे किस राज्य का एक आदिवासी चरवाहा समुदाय है? देखिए, फटाफट आंसर लगाइएगा इसमें। जो मालधारी जो हाल ही में खबरों में थे किस राज्य का एक आदिवासी समुदाय है? तो यहाँ हुआ क्या था कि यहाँ पे एनजीटी, आप लोग जानते ही हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया और इसको एक संगठन बनाया गया, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो बन्नी घास के मैदान है, है ना, बन्नी घास मैदान है, उन मैदानों से अतिक्रमण हटाया जाए और उनको अतिक्रमण मुक्त किया जाए, ऐसा आदेश जारी किया था एनजीटी की संस्था ने, और वो आदेश गुजरात के लिए जारी किया गया था। तो गुजरात में मालधारी समुदाय का अतिक्रमण हो गया था बन्नी घास के मैदानों पर, इस कारण से एनजीटी को स्पेशल आदेश देना पड़ा था सरकार को कि इनका अतिक्रमण हटाया जाए, किसी भी व्यक्ति का वो अतिक्रमण हटाया जाए इन घास के मैदानों से। ये गुजरात का चरवाहा समुदाय है जो चर्चा में रहा है। राइट, अगला प्रश्न है 19वां। निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? देखिए, इस तरह की एक विंडो बनाई है आईआईटी के छात्रों ने, बहुत बढ़िया किया है। इस तरह की विंडो बनाई है कि उस विंडो से कितना प्रकाश आना चाहिए, कितनी हवा आना चाहिए, जाना चाहिए, ये पूर्णतः नियंत्रित करेगी। राइट, उसके बाहर सोलर पैनल लगा करके सोलर एनर्जी को भी विकसित किया जाएगा, और इस तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने 20वें नंबर का, आधी क्लास लगभग कंप्लीट होने वाली है जल्दी ही। 20वां प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में चर्चा में रहे हैसरघट्टा घास के मैदान किस राज्य में स्थित है? हैसरघट्टा घास के मैदान ये किस राज्य में है? ये चर्चा में क्यों रहे थे? क्योंकि हाईकोर्ट ने सीधा सरकार को फटकार लगाई थी, सीधा बोला था कि जो हैसरघट्टा घास के मैदान है बहुत प्रसिद्ध है, तितलियों की यहाँ बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, संरक्षण होता है, तो इस मैदान की जो स्थिति है उसको बदला ना जाए, जैसी स्थिति है यथावत रखी जाए, ये हाईकोर्ट का फैसला था। और ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था घैसरघट्टा जो मैदान है उसकी स्थिति पर स्टे लगाया था एक टाइप का, कि जो स्थिति है वही रही जाए, चेंज ना किया जाए। ये घैसरघट्टा घास के मैदान है कर्नाटक के बेंगलोर के नजदीक स्थित। राइट, अगला प्रश्न है 21वें नंबर का। हाल ही में मेकांग गंगा सहयोग की 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2021 वर्चुअली कब आयोजित की गई? फटाफट बताइएगा। देखिए, मेकांग नदी चाइना से निकलती है, थाईलैंड कंबोडिया होते हुए, लाओस होते हुए, वियतनाम होते हुए,
दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे देशों से होकर के ये नदी बहती हुई जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे बहती है फटाफट बताइएगा। ये एक मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई थी ये कब आयोजित हुई थी, जिसमें थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और भारत के एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। तो फटाफट बताएंगे आप लोग कि कब हुई थी। तो ये जो घटना, ये जो बैठक हुई थी ये 21 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी, 21 जुलाई 2021 की ये बैठक है, याद रखिएगा। 22वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल बताया हुआ है मेरे द्वारा कि हर साल 29 जुलाई को, हर साल 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, टाइगर्स डे मनाया जाता है। टाइगर संसार का सबसे पसंदीदा जानवर कहलाता है, टाइगर को बहुत लोग पसंद करते हैं। तो टाइगर एक सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला जानवर होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने है कि 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में तेलंगाना राज्य के वारंगल के पास मुलुग जिले के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और इस मंदिर के संदर्भ में जो आपको विकल्प दिए गए हैं उनमें से एक को बताना है। रुद्रेश्वर मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। रुद्रेश्वर मंदिर का ही नाम रामप्पा मंदिर जो बोलते हैं उसका सही नाम रुद्रेश्वर मंदिर है, तो रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। यह भारत में यूनेस्को द्वारा घोषित 38वां विश्व धरोहर स्थल है, ये पॉइंट गलत है। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचाला रुद्र के द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल सही पॉइंट है, है ना। काकतीय साम्राज्य में हुआ था इसका निर्माण और जो सेनापति थे रेचाला रुद्र थे, याद रखें। इस मंदिर में स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी है, तीनों ही सही है, केवल बी नंबर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सभी के सभी सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने है 24वां, आधी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट तक देखते रहे, बहुत अच्छे प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये प्रश्न आपसे एक महारत्न के दर्जे से प्रश्न इकोनॉमी में आपका 2021 के 2020 के प्री में पूछा गया था। एक प्रश्न पेपर उठा के देखोगे तो इन कंपनियों में कौन सी महारत्न या नया महारत्न का दर्जा मिला, ऐसा कुछ प्रश्न बिल्कुल इकोनॉमी का सीधा सीधा प्रश्न पूछा था, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। तो देखिए, हाइड्रोजन प्लांट लिमिटेड देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित करेगी। ये जो ऑयल इंडिया है ना, जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC कंपनी है, इसके द्वारा जो मथुरा रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा, क्योंकि मथुरा रिफाइनरी से तो बहुत ज्यादा नुकसान होता था ताजमहल को, तो इसको तो बंद करना ही जरूरी है, तो बंद होगी और उसके बाद यहाँ पे इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लांट स्थापित हो रहा है, राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्तमान में भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए वैश्विक CA और TS CA है ना, और TS CA और TS का दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा, CA का मतलब क्या है, कंजर्वेशन एश्योर्ड, क्या है, कंजर्वेशन एश्योर्ड, और TS का मतलब क्या है, तो TS का मतलब है टाइगर स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा कि बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए भारत में कुल कितने ऐसे बाघ अभयारण्य हैं जिनको ये दोनों दर्जे दिए गए हैं। तो टोटल ऐसे भारत में अभी तक 14 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं जिनको ये दर्जा दिया गया है। चलिए, तो ये आधी क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत शानदार लगे होंगे और शानदार क्वेश्चन हैं भी। तो आगे की क्लास को बढ़ाते हैं और आप लोगों को यहाँ तक जो भी डाउट बनते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बाद में बताइएगा, हम आपके सारे कमेंट पर विचार करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में असम के राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। देखिए, यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है,
यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आपको पता ही है कि वो योगी आदित्यनाथ की तरह चर्चा में बने रहते हैं, राइट। और इनकी जो छवि है एक तरफ से हिंदुत्ववादी छवि का इनको माना जाता है। तो इन्होंने क्या है, कांग्रेस नेता राजीव गांधी के का जो नाम आगे लगा था, ये राजीव गांधी, इन्होंने किसी का नाम बदला नहीं है, सिर्फ नाम इतना हटाया है, राजीव गांधी जी का नाम औरंग राष्ट्रीय उद्यान के सामने से हटा दिया। तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो असम का औरंग राष्ट्रीय उद्यान था, उसका पूरा नाम था राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन अब उसका नाम हो गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी शब्द हटाया, बस है, कोई भी जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे याद रखें औरंग राष्ट्रीय उद्यान। हेमंत सिंह बिस्वा जी है ना, तो उन्होंने ये, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो स्वामी विवेकानंद को आइडियल मानते हैं सभी युवा अपना, लेकिन वैश्विक स्तर पे विश्व में देखा जाए तो विश्व के सभी युवा में से बहुत सारे लोग तो उनको, जो जिनको नॉलेज ज्यादा नहीं होगा वो ही नहीं जानते होंगे, बाकी सब लोग उनको जानते ही हैं। तो देखिए हर साल 12 अगस्त को, 12 जनवरी को अपने भारत का मनाया जाता है, 12 अगस्त को युवाओं के बारे में जानने के लिए, उनमें क्या परेशानियां, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, सद्भावना बढ़ाने के लिए हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 अगस्त 2021 को कौन सा राज्य भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। देखिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सिंह धामी है ना, और उनके द्वारा क्या किया गया है, सॉरी पुष्कर सिंह धामी सीएम कहाँ के हैं, तो आप लोगों का आंसर होगा उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में इन्होंने क्या किया है, उत्तराखंड अर्थक्विक अलर्ट नाम से एक ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, और ये ऐप वहां के निवासियों को भूकंप पूर्व सूचना दे देगा। बहुत अच्छी सुविधा है जिसके कारण लोग समय रहते अपने वहां से निकल के अपने आप का बचाव कर सकते हैं। तो क्योंकि वो उत्तराखंड में भूकंप आना आम बात है, वहां आते ही रहते हैं, तो उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही अच्छा काम है। हालांकि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ना एक वो हो सकता है सूचना प्रदान करना, या जो भूकंप विज्ञान ने ऐसी कोई तकनीक निकाली होगी जिसके बारे में अभी डिटेल जानकारी बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट बताइएगा। जैसे टाइगर दिवस बताया 29 जुलाई को, वैसे ही शेरों के प्रति सद्भाव, उनके संरक्षण, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, अच्छा एक आधुनिक रूप से संरक्षण करने के लिए हर साल 10 अगस्त को क्या किया जाता है, हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और 30वें नंबर का प्रश्न है 23 अगस्त 2021 को उद्घाटित भारत का पहला स्मॉग टावर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में प्रति सेकंड कितनी मात्रा में हवा को शुद्ध कर सकेगा। स्मॉग जानते हैं, स्मॉग हल्का सा फुहारा टाइप का, स्मोक तो जानते होंगे फुहारा टाइप का, जो फुग्गा टाइप के बनते हैं छोटे छोटे, जब कपड़े धोते हैं तो बनते हैं, है ना, वो स्मोक बनता है ना, एक टाइप का प्रदूषण है, बहुत मुख्य प्रदूषण है। और स्मोक टावर यदि लगा जाए तो 1 किलोमीटर के आसपास में जो भी स्मोक होगा वो सोख लेगा, उसको पूरा सोख लेगा। और ऐसी परिस्थिति हमें कहाँ देखने के लिए, सबसे ज्यादा स्मोक कहाँ फैलता है, जहाँ पे गाड़ियों की टक्कर लगातार होती रहती है, ये स्थिति बनती है दिल्ली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा अभी प्रायोगिक तौर पे एक स्मॉग टावर लगाया गया है, जो 1 किलोमीटर के अंदर से 1000 क्यूबिक मीटर स्मॉग को सोख लेगा और उस क्षेत्र का माहौल क्लीन कर देगा। ऐसे ही और ज्यादा टावर लगेंगे तो पूरी दिल्ली साफ हो सकती है। हालांकि एक वैकल्पिक साधन है, हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि हम प्रदूषण को कम से कम करें। नेक्स्ट है 31वां, 8 सितंबर 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2022-23 के संबंध में रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने को मंजूरी दी। इसके तहत गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितने रुपए क्विंटल हुआ है। तो यहां पे आपको एक बात सुन के
एक बात सुन के, ये जो एमएसपी मूल्य है ये कितना हो गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का कितना हो गया है, 1975 है, 2175 है, 2015 है या 2250। तो गेहूं का न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है वो 2000 से ऊपर निकल गया। एक किलो गेहूं लेके जाओगे तो 20 रुपए 15 पैसे का जाएगा, मतलब 2015 रुपए पर क्विंटल का अब आपको रेट मिलेगा एमएसपी पे, है ना। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है इस पे आप बेचोगे तो आपको 2015 रुपए एक क्विंटल गेहूं के मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में किस राज्य के लाड़पुरा खास गांव को UNWTO पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का श्रेणी के लिए कौन सा नामांकित किया गया है। देखिए जो ये लाड़पुरा गांव है, लाड़पुरा गांव ये आपका ओरछा के नजदीक है और निवाड़ी जिले में पड़ता है। ओरछा के नजदीक निवाड़ी जिले का ये गांव हमारे मध्य प्रदेश का गांव है और इसको अंतरराष्ट्रीय रूप से पर्यटन गांव के रूप में एक तरह से देखा गया है और बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात होना चाहिए कि ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना जा चुका है। अगला प्रश्न है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए यूएनओ के जो सचिव हैं, महासचिव हैं एंटोनियो, उनके द्वारा क्या किया गया, एक भाषण दिया गया और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि आज के समय में विश्व के 10 में से 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो अशुद्ध सांस ले रहे हैं, अशुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं। ये कैसे हैं कि 10 में से 9, कोई एकमात्र बिरला व्यक्ति ही ऐसा है जो बिल्कुल साफ मौसम में रह रहा है, कोई जंगल वगैरह में रह रहा होगा तो कोई होगा। तो क्या किया गया है, एंटोनियो जो गुटरेस हैं इनके द्वारा ये बात कही गई थी और इन्होंने 7 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, 7 सितंबर को, और 7 सितंबर को अभी 2021 में ये आयोजन हुआ था और एंटोनियो गुटरेस ने ये बयान दिया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट बताइएगा। शांति दिवस, शांति तो सबसे मेन है, पीस ऑफ माइंड भी अपना पीस होना चाहिए। मनुष्य का मस्तिष्क में जब शांति रहेगी तो उसके आचार विचार से चारों ओर शांति रहेगी। तो शांति से रहना चाहिए, सद्भाव से रहना चाहिए, हमें किसी प्रकार की हिंसा हिंसात्मक चीज़ों को सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। तो इसी कारण से इसी शांति को आगे निरंतर बढ़ाया जाए, सभी लोगों में सद्भावना का विकास किया जाए, इसके लिए हर साल यूएन के द्वारा एक तारीख को, और वो तारीख है 21 सितंबर को, हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 2021 को कहां स्थित BHEL अनुसंधान एवं विकास केंद्र में स्थापित भारत के पहले स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया, बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में या फिर जगदीशपुर। तो देखिए BHEL अनुसंधान एवं विकास केंद्र में स्थापित भारत के पहले स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल का उत्पादन, मेथेनॉल का उत्पादन मैंने आपको शायद कल परसों की क्लास में बताया होगा कि मेथेनॉल का उत्पादन में कसावा भी एक यूज हो रहा है, फसलों का भी यूज होता है, स्टार्च वाली फसलों का यूज कर लेते हैं, तो मेथेनॉल एक ईंधन के रूप में कार्य करता है। इसके लिए हैदराबाद नामक ये संस्थान कार्य कर रहा है और पहला स्वदेश से निर्मित ये अनुसंधान संस्थान है जिसने इस पर मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है 35 के बाद 36वां प्रश्न, 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा। पहला फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा, पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव। तो देखिए धर्मशाला, देहरादून, श्रीनगर या फिर लेह लद्दाख में, तो लद्दाख पे अब ज़्यादा फोकस हो रहा है। जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है पैसा और वहाँ पे टूरिस्ट पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, टूरिस्ट भी 6 गुना ज़्यादा वहाँ पहुँच रहे हैं अब। तो इसके लिए लेह लद्दाख को क्या हो रहा है, हिमालयन फिल्म महोत्सव का आयोजन लेह लद्दाख में किया जा रहा है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मतलब किया गया 2021 में किया जा चुका है, राइट, अब नहीं किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्न में से किस वर्ष को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये कहा गया था कि हमको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको स्वस्थ और निरोगी रहना है तो इसके लिए हमको सब्जियों, शाकाहार की ओर अग्रसर होना होगा, सब्जियां खाएं, फल खाएं, शरीर में न्यूट्रिशंस की पूर्ति होगी। तो इस कारण से 2021 का जो वर्ष था, इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सब्जी और फल वर्ष के रूप में उन्होंने घोषित किया। 38वां प्रश्न आपके सामने है कि 1 अक्टूबर 2021 को किसे नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर घोषित किया गया है? छोटा भीम, चाचा चौधरी, डोरेमोन या बाल गणेशा, किसको किया गया फटाफट बताइएगा। तो अक्टूबर 2021 को किसे नमामि गंगे कार्यक्रम, नमामि गंगे कार्यक्रम जो चलाया गया था उसके लिए 2021 में, 1 अक्टूबर 2021 को नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए जो शुभंकर थे वो चाचा चौधरी को बनाया गया, राइट। चाचा चौधरी इसके शुभंकर रहे हैं। नेक्स्ट 39वां नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2021 में विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया गया था? फटाफट बताइएगा, विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया गया था? तो ये 1985 से मनाया जा रहा है, राइट। कब से? 1985 से, जब यूएन की जो महासभा होती है जिसमें 5 मुख्य सदस्य होते हैं बड़े बड़े देश, तो यूएन की जो महासभा है उसने प्रस्ताव रखा था 1985, तब से लेकर के हर साल विश्व पर्यावास दिवस मनाया जा रहा है और ये हर साल अक्टूबर माह में मनाया जाता है और अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पहले सोमवार को मनाया जाता है। तो ये 9 तो हो नहीं सकता, 7 भी नहीं होगा, जनरली 1 या 4 हो सकता है। तो इस साल 4 अक्टूबर 2021 को मनाया जा चुका है, राइट। तो हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को 1985 से मनाया जा रहा है यूएन के द्वारा विश्व पर्यावास दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बहुत तेजी से प्रश्न तो नहीं हो रहे हैं, आप लोगों को समझ तो आ ही रहे होंगे। यदि किसी प्रकार का डाउट बनता है तो बार बार आपसे यही कहूंगा कि आपके डाउट हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे और जो भी आपके डाउट होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा, राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फटाफट। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट बताइएगा, कब मनाया जाता है ये? तो देखिए, ये यूएन प्रमुख के यूएन के द्वारा इसको मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, हर साल 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब जिन क्षेत्रों में आपदा आने की, प्राकृतिक आपदा आने की संभावना है, उस संभावना को कम करने का प्रयास कैसे किया जाए, इस पर एक समिट बुलाई जाती है, बैठक होती है और नए नए विचार और आइडियाज पर चर्चा होती है। तो ये होता है आपदा जोखिम न्यूनीकरण, 13 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 2021 की बात हो रही है, 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? फटाफट बताएंगे, प्रवासी पक्षी दिवस, प्रवासी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना कुछ समय के लिए। जैसे जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है दिसंबर के आसपास, 22 दिसंबर को जब दक्षिणी गोलार्ध में सीधा लंबवत होता है मकर रेखा पे, उस समय के समय क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तिरछी किरणें पहुंचती नहीं है, 6 महीने की रात हो जाती है। तो वहां से साइबेरियाई क्षेत्र से सारे सारस पक्षी उड़ करके भारत के राजस्थान के घाना पक्षी विहार या भरतपुर पक्षी विहार में आ जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, क्योंकि वो शीत ऋतु में आते हैं, ग्रीष्म के पहले पहले चले जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षी। तो ऐसे ही पक्षियों की सुरक्षा संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए हर साल अक्टूबर में, और कब, तो किस अक्टूबर को मनाया जाता है, तो हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, सॉरी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, राइट। अगला प्रश्न है 42वें नंबर का, अक्टूबर 2021 में माउंट हैरियट का नाम परिवर्तित करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है, माउंट हैरियट कहां पर स्थित है? देखिए, एक पर्यटन स्थल भी है और एक चोटी भी है। सैडल पीक चोटी कहाँ की है? सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है माउंट यहाँ की, अपने अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार की यात्रा हुई गृह मंत्री अमित शाह की, तो ये वहां पे गए और वहां पे ये माउंट हैरियट नामक पर्यटन स्थल और पे गए, घूमे फिरे। वहां पे इन्होंने क्या किया, घोषणा कर दी कि हम इसका नाम बदल के माउंट हैरियट से माउंट मणिपुर कर देंगे, और धीरे से इसका नाम भी क्या हो गया, माउंट मणिपुर कर दिया गया। माउंट हैरियट अब नाम कैंसल, माउंट
मणिपुर कर दिया। ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। 43वें नंबर का प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस भारत के खाद्य दिवस की बात नहीं की जा रही है, विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इनसे रिलेटेड हमारे 4-5 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है, 13 नवंबर 2021 को किस राज्य में केसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी प्रदान की गई? राज्य तितली, केसर ए हिंद को राज्य तितली हो सकती है। केसर ए हिंद का मतलब क्या होता है? तो केसर ए हिंद जो है इसका मतलब होता है भारत के सम्राट, केसर ए हिंद भारत के सम्राट। और ये केसर ए हिंद की जो उपाधि है अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी जी को दी गई थी, जो कि जलियांवाला बाग के बाद उन्होंने वापस कर दी थी, है ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि भी वापस कर दी थी, राइट। तो केसर ए हिंद का मतलब होता है भारत के सम्राट, और केसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी प्रदान करने वाला जो राज्य है या राज्य सरकार है वो अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने ये कार्य किया है। नेक्स्ट 45वें नंबर का प्रश्न है, सिर्फ 5 प्रश्न शेष हैं, तो लास्ट तक देखिएगा सभी प्रश्न। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय बनाने के लिए जो हमारे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल ने क्या किया था, पहले ये रेल मंत्री भी रह चुके हैं पीयूष गोयल, तो पीयूष गोयल के द्वारा तमिलनाडु के एक शहर जिसका नाम है तंजावुर, या इसको तंजौर भी कहा जाता है, इस तंजौर में इन्होंने भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की और यहाँ पे बनाया गया, राइट। अगला प्रश्न है आपके सामने 46वें नंबर का, 17 नवंबर 2021 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की 21वीं वार्षिक बैठक हाइब्रिड प्रारूप में कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली भारत की राजधानी है, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, और आजकल हालत बहुत खराब बने हुए हैं, हिंसा भड़की हुई है, सांसद को डुबो के मार डाला है ना, कई लोगों की हत्या हो गई है, बसें जला रहे हैं लोग, सड़कों पे आ गए, भुखमरी फैल गई है, राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन स्थितियां जो है हाथ से निकल चुकी हैं। कोलंबो, ढाका हमारा पड़ोसी देश पश्चिम बंगाल से लगा हुआ बांग्लादेश जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, राइट, है भारत का ही हिस्सा था पहले। नई पेताव जो कि म्यांमार की राजधानी है, नवीन पहले वो कभी रंगून हुआ करती थी, तो ये ढाका में एक सम्मेलन हुआ था और भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया था। 47वें नंबर का प्रश्न है, 24 से 27 नवंबर 2021 के मध्य आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, कहाँ पे किया गया, फटाफट बताइएगा। तो देखिए, इसमें आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन 2021 में कहाँ किया गया है? नवंबर 2021 में कोविड चल रहा था, राइट, कोविड तो निकल गया था लेकिन जो कोविड ने स्थितियां बना दी थी उनको रिकवर करना था, फटाफट से हमको ग्रो करना था, तो कोविड-19 पर विशेष चर्चा हुई थी। इसके अलावा और भी इसमें चर्चा हुई थी। तो ये समिट आपका कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में ये समिट या आयोजन किया गया। 48वां प्रश्न आपके सामने है कि दिसंबर 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? BHEL को दिया गया है, भेल को दिया गया है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय, हमारा भोपाल में भी मुख्यालय है। सेल का मतलब है SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और 1974 से स्थापना तो इसकी 1954 में हो चुकी थी एक संयंत्र के रूप में, लेकिन 1974 में इसको एक अथॉरिटी के रूप में घोषित किया गया, और इस अथॉरिटी को सभी भारत के जो सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी लौह इस्पात कारखाने थे वो सभी इसके अधीन कर दिए गए। और एक है गेल इंडिया लिमिटेड, गैस रिलेटेड, और एक है HAL, तो इसमें से जो सेल है 1974 में स्थापित हुआ था इसी को सार्वजनिक क्षेत्र के
को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और 49वें नंबर का प्रश्न है, दिसंबर 2021 में पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया ने, पेटा राइट, पेटा का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो प्यूपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट है ना, प्यूपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इसका पूरा नाम होता है। ये एक संस्था है, संगठन है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि पशुओं के अधिकारों के लिए संस्था लड़ती है। इसने क्या कर दिया, इसने एक अवार्ड ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो एक किसी व्यक्ति को दिया, किसी महिला को दिया, वो आपको यहां बताना है। ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, यदि आप वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाने की मांग उठाते हैं या पशुओं के प्रति प्रेम दर्शाते हैं और उनको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं तो ये दिया जाता है साल में एक बार, और ये आलिया भट्ट को दिया गया है राइट। और ये कहा गया है कि इन्होंने कानून उठाने में सहयोग किया है, कानून की मांग की है और इनका प्रेम देख करके जानवरों के प्रति इनको ये अवार्ड दिया गया। 50वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, हर साल मृदा की बिगड़ती स्थिति को संवारने के लिए यूएनओ के द्वारा लगातार विश्व मृदा दिवस मनाना शुरू कर दिया है और इसको दिसंबर 2013 से इसकी शुरुआत की गई थी, तो फटाफट बताइए कि कब मनाया जाता है। महासभा की जो बैठक थी उसकी 68वीं वर्षगांठ पे, महासभा की 68वीं वर्षगांठ पे दिसंबर 2013 से इसको मनाना शुरू किया और दिसंबर 2013 से लगातार प्रति साल 5 दिसंबर को हर साल क्या मनाया जाता है, तो हर साल विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये लास्ट प्रश्न इसको और लगा दीजिएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, देखिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में आया था और ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल दिसंबर के महीने में मनाते हैं और ये मनाते हैं हम 14 को राइट, तो 14 दिसंबर को हर साल ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आप लोगों को इस क्लास के लास्ट में एक कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है क्वेश्चन कैसे थे, समय तो आपका ज्यादा नहीं लगा होगा क्लास में, क्वेश्चन कैसे थे ये आपको जरूर बताना है और आपको क्लास कैसी लगी ये बताना है। यदि क्वेश्चन अच्छे हैं और मेहनत के साथ क्वेश्चन बनाए गए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। जिन बच्चों के पास अभी नोट्स नहीं है, 1299 अवेलेबल है, साथ में टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है, और टेस्ट सीरीज अकेले लेना चाहेंगे तो 499 में टेस्ट सीरीज अकेले भी आप ले सकते हैं, नोट्स के साथ ये 499 की टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही है राइट। तो चलिए, जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे और मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल पर्यावरण के हमको 12 लेक्चर बनाने थे, 10 लेक्चर बनाने थे, 10 लेक्चर कंप्लीट हो गए और 100 क्वेश्चन में हमने 2021 का जो 21 के पर्यावरण से रिलेटेड जो करंट अफेयर था वो कंप्लीट कर दिया है। 2021 में पर्यावरण से रिलेटेड जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं इन 100 क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो किसी प्रकार का जो भी डाउट रहता है उसके लिए तो हमारी एक पर्यावरण की क्लासेस भी आने वाली हैं, पर्यावरण की क्लासेस आएंगी, पर्यावरण की PDF भी लॉन्च की जाएगी, तो आपको सारा डाटा उपलब्ध करवाया जाए। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।